नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट अपडेट रहने के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट के गिरने पर आपको बाय करना चाहिए, मतलब उसे अपने वॉच लिस्ट में लगा के रहना चाहिए, और जैसे ही गिरता है तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि आगे कहा जा रहा है कि जैसा कि चारों तरफ रूमर फैला हुआ है कि स्टॉक मार्केट में क्रेश आने वाला है, स्टॉक मार्केट क्रेश हो जाएगा, तो ऐसे में इन सारे स्टॉक्स में आपको बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट जितना गिरता है आपको उतनी अधिक बाइंग करनी चाहिए। चलिए इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक मार्केट का राजा है रिलायंस, दोस्तों इसे स्टॉक मार्केट का राजा कहा जा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है, सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला शेयर है। तो इसका 11 ट्रिलियन, यहाँ पर देख सकते हैं 11 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और आज देख सकते हैं ये हमारा 11 पॉइंट अप है, ये तो लगातार नया पे नया हाई बनाते जा रहा है। आज इसका देख सकते हैं, आज का इसका जो नया हाई था वो 1772 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं, और जो 52 भी कहा है वो 1800 रुपये है, 1804 रुपये। तो ये स्टॉक्स तो कुछ कहना ही नहीं है इसमें। यहाँ से जो ये लो बनाया था, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना रिटर्न दे चुका है, 97%, मतलब आपका जो मनी है उसको दोगुना कर चुका है ये जो गिरावट आया था मार्च में वहाँ से। अगर ये स्टॉक इतना तेज नहीं भागता तो निश्चित है कि हमारा अभी तक जो इंडेक्स है वो और नीचे होता। तो ये स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने वाले, क्योंकि रिलायंस बहुत सारे डील किया है, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है, जिससे रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गया। तो ये स्टॉक्स अगर आपको गिरावट मिलता है ज़रूर बाय करना चाहिए, इसमें हम भी बाइंग करेंगे जैसे मार्केट में गिरावट आती है। और हमारे कहने से आप बाय ना करें, आप अपना भी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। ये वीडियो हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए बना रहे हैं, कि जैसे गिरावट आती है तो आप इन सारे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं गिरावट में ख़रीदने के लिए। तो पहला हो गया रिलायंस, दूसरा हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट ये भी बेहतरीन से नए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो भी मॉल है वो जानते हैं कि इसकी खुद की ज़मीन है, खुद का उस पर बनाया गया मॉल है। तो ये भी स्टॉक्स गिरावट में आपको अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक्स 2000 के नीचे आता है तो बाइंग का मौका आपको मिल सकता है। रिलायंस जैसे था, तो रिलायंस में कितना गिरावट पे आप बाय करेंगे आपको खुद रिसर्च कर अपना मतलब रिस्क देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क ही उस पर बाइंग का लेवल बताएगा। और सारे ये सब स्टॉक जो है, जैसे मार्केट रिकवर होगा तो सबसे पहले रिकवर होगा, तो ये भी है, जैसे रिलायंस सबसे तेज़ी से रिकवर हुआ उसी तरह से ये सारे स्टॉक हैं जो कि रिकवरी में भी बहुत ही तेज़ी से रिकवर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर का चार्ट, तो ये स्टॉक्स अभी भी 1 ईयर में भी देख सकते हैं कितना का रिटर्न दे रहा है, 76% का देख सकते हैं। तो गिरावट जब आया था तो इसमें भी गिरावट है, मात्र 1800 रुपये तक ये आया था। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है वो है TCS। तो दोस्तों TCS ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये स्टॉक मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली स्टॉक्स है, और टाटा ग्रुप कंपनी है। तो समझ सकते हैं TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस, आप यहाँ पर देख रहे हैं गिरावट इसमें देख सकते हैं, गिरावट जब आया था तो ये स्टॉक्स आपको 1600 रुपये के आसपास मिल रहा था, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। इसमें भी देख सकते हैं तो रिकवरी कितनी तेज़ी से हुआ, ये गिरावट जो आया था वहाँ से कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है देख सकते हैं, 25% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट में आपको अवश्य बाय करना चाहिए। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखिएगा, देखिए ये सारे स्टॉक्स कितने बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, ये देखिए स्टॉक्स अभी तक में ये 1600% का रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुका है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है वो है इन्फोसिस, आईटी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, पहली है TCS, दूसरा है हमारा इन्फोसिस। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, जब गिरावट आया था तो इसमें भी गिरावट है, लेकिन रिकवरी उतनी ही फास्ट हुई, देख सकते हैं 526 रुपये पे स्टॉक्स मिल रहा था, वहाँ से 36% का ये रिटर्न दे चुका है। तो समझ सकते हैं ये सारे स्टॉक गिरावट में जब भी मिले आप ज़रूर बाय करें। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है वो है भारती एयरटेल। दोस्तों भारती एयरटेल देख सकते हैं, जो भारती एयरटेल है
मतलब हम बात करें कि अगर AGR का रिलीफ मिल जाता तो ये स्टॉक्स फिर आप बाय नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ी देखने आपको तब मिल सकती थी। जब गिरावट आया था, देखते इस स्टॉक में भी गिरावट आया था, 400 रुपये तक गया था, वहाँ से ये स्टॉक भी 38% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी AGR जो है न्यूज आया वो इसके फेवर में नहीं आया, तो गिरावट में इसमें भी गिरावट आ सकती है। और आगे आने वाले समय में जो टेलीकॉम कंपनी है उसका बूम आने वाला है, क्योंकि जियो और भारती एयरटेल दो ही तो कंपनी है हमारे इंडिया में जो कि इसमें मतलब कम्युनिकेशन सेक्टर में टिक पाएगी। तो ऐसे में ये स्टॉक्स काफ़ी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साल में देखते हैं 60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो बहुत ही पॉजिटिवनेस इस स्टॉक में है इन्वेस्टर का, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो काफ़ी बेहतरीन करने वाली है। उसके बाद अगला है हमारा FMCG तो एवर ग्रीन सेक्टर है। ये स्टॉक्स आपको हमेशा मतलब जो है रिटर्न देगा, क्योंकि चाहे सिचुएशन कैसा भी हो जाए इसके प्रोडक्ट तो यूज होने वाले हैं ही। तो ये स्टॉक्स आपको कभी भी मतलब नहीं सेल करनी चाहिए अगर आपके पास है। तो देख सकते हैं ये 2002 में भी ये देख सकते हैं 276 रुपीज़ का था, और देख सकते हैं अभी तक ये इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 1184% का रिटर्न दे चुका है। तो कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। उसके बाद हमारा अगला है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC। अभी इसकी सर्विसेज पूरी तरह से बंद है, इसलिए स्टॉक्स आपको काफ़ी गिरावट में मिल रहा है। 2000 के अप्रॉक्स ये भी लेवल बना चुका था, वहाँ से काफ़ी इसमें गिरावट आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक तरह से कहिए इसका जो गिरावट आया है वहाँ से फ्लैट ही रहा है, अपने 1400 के आसपास का रेसिस्टेंस बना के रखा है। तो जैसे गिरावट आती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते थे, गिरावट में ये मौका दिया था, देख सकते हैं 900 रुपये के आसपास आया था। तो इसमें भी आप जैसे 1000 के नीचे आता है तो आप इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे कि क्या रिस्क इसमें होगा बाइंग करने के बाद, तो सारे रिस्क और सारे हर चीज़ को आपको अपना एनालाइज कर लेना है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है वह है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन दोस्तों बेहतरीन स्टॉक्स है जो कि हर गिरावट में आपको बाय करना चाहिए। देख सकते हैं अभी काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक्स, तो अभी 990 पे मिल रहा है, कभी ये स्टॉक्स जो है 1389 मतलब 1400 का हुआ करता था। जैसे ये गिरावट मिलता है 800 पर तो हम भी बाय करेंगे, 800 के नीचे मिलता है तो और ज़्यादा आपको बाइंग करना चाहिए। और जैसे रिकवरी होगा मार्केट ये भी स्टॉक्स रिकवर करेगा, क्योंकि फंडामेंटली ये स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगला है हेवल्स। दोस्तों बहुत काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, जिन्होंने भी मतलब 2010 में इन्वेस्ट किया होगा इस स्टॉक में, अभी तक में वो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को। यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स 38,000% का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को, तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक्स जब भी गिरावट में आपको 500 के नीचे मिलता है तो आप इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, आप अपने रिस्क के अनुसार बाइंग कर सकते हैं। अगला है HDFC बैंक। दोस्तों जब भी गिरावट आता है तो आप HDFC बैंक में बाइंग कर सकते हैं। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर के सबसे लीडिंग बैंक है, तो आप जैसे ये गिरावट आता है तो गिरावट में इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स 24,000% का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को। तो जैसे गिरावट में मिलता है ये स्टॉक तो आप जरूर बाइंग करें। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर लीडिंग बैंक है, और साथ ही साथ HDFC ग्रुप का स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। तो अगला स्टॉक्स है हमारा UPL, एग्रो केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है, और उस सेक्टर की देख सकते हैं ये हमारा एक लार्ज कैप कंपनी है। और इस स्टॉक में भी देख सकते हैं काफ़ी बार गिरावट आया और ये बहुत तेज़ी से रिकवर किया है, और अभी आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, क्योंकि इसका जो हाइएस्ट प्राइस है वो है 700 और गिरावट में ये 300 रुपीज़ मिल रहा था, तो वहां पर आप इसमें बाय कर सकते थे। तो जैसे गिरावट मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, अपने कैपिटल के अनुसार आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है एशियन पेंट। दोस्तों एशियन पेंट भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, क्योंकि ये इसका भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो प्रोडक्ट जो होता है बिजनेस जो होता है कंपनी का वही उस स्टॉक्स को काफ़ी बेहतरीन बनाता है। तो इसके भी जो प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतरीन है, और अभी तक देख सकते हैं ये 14,000% का रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुका है। ये स्टॉक्स 1900 का हुआ करता था, और जो लो बनाया है 1200
91 रुपीज़ का। तो समझते हैं 1300 तक ये लो बना चुका है, तो अगर आपको गिरावट मिलता है तो इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। अगला हमारा पिडिलाइट इंडस्ट्री, फेविकॉल आप तो यूज़ करते ही होंगे, इसका भी प्रोडक्ट जो है फेविकॉल, वो बिजनेस जो इसका वो मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करने वाला प्रोडक्ट है। तो ऐसे में पिडिलाइट में जो है आपको बाइंग करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज़रूर बाइंग करें। ये देख सकते हैं इसका भी आप चार्ट देखेंगे तो ये देखते हैं इन्वेस्टर को 16,000% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप गिरावट वाले मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, तो जैसे मौका मिलता है तो आप ज़रूर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगला हमारा HDFC बैंक। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि गिरावट में हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो HDFC बैंक के बाद जो HDFC ग्रुप का दूसरा शेयर है वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मतलब HDFC है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है और देख सकते हैं 8,000% का रिटर्न ये भी स्टॉक दे चुका है अभी तक में। और इसका 52 वीक हाई 2500 रुपये का स्टॉक्स था और लो जो बनाया था ये वो 1500 तक का। तो मतलब समझ सकते हैं इतने गिरावट में ये सारे स्टॉक मिल रहे हैं, इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ये सारे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। अगला वही स्टॉक से हमारा डॉक्टर रेड्डी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और एक साल में देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 60% का रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुका है। मैक्सिमम ईयर में चार्ट देखेंगे तो देखिए कितना स्टॉक का चार्ट जो है बेहतरीन है, चार्ट देख सकते हैं कितना बेहतरीन 6,000% का रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक्स पिछले 1-2 साल में काफ़ी गिरा हुआ था लेकिन एक साल से काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गिरावट जब आती है। तो ये थे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जिससे मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स जो गिरावट वाले मार्केट में आपको बाय करना चाहिए। जब मार्केट मतलब पूरा गिरा हुआ हो, मार्केट क्रेश हो गया हो, तो ये सब स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए ऐसा जैसा कि र्यूमर फैला हुआ है। तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपको ये सारे स्टॉक्स बाय करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बगल के बेल आइकन दबा लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।